हाय एवरीवन, तो आज हम देखेंगे कि हम अपनी स्नैपचैट में कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे कोई फिल्टर को सर्च कर सकते हैं, कैसे सेल्फ टाइमर लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम स्नैपचैट ऐप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें देखिए काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगा है उस फिल्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये वाला फिल्टर सेलेक्ट किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले फिल्टर में जो फिल्टर के आगे राउंड सर्कल है वो हमारे रिकॉर्डिंग का सर्कल है, तो हम इस पर डीप प्रेस करेंगे तो ये सर्कल रेड होने लग जाएगा और साइड में लॉक का बटन आएगा। तो हम इसको डीप प्रेस करेंगे, लॉक के बटन पर इसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए हमारी वीडियो ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब हमें बटन बिना प्रेस करे हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब अगर हम इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो स्टॉप हो जाएगी। तो मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देती हूँ तो हमारी वीडियो स्टॉप हो गई है। अब हम इसे डाउनलोड का जो बटन है नीचे उस पर क्लिक कर देंगे तो वीडियो हमारी डाउनलोड हो जाएगी। नाउ अगर हमें अपने ऐप में टाइमर सेट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम ये डाउन एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे टाइमर लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा टाइमर सेट हो गया है। अब हम फोटो क्लिक करने वाले बटन पे प्रेस करेंगे और देखिए हमारी फ़ोटो का टाइमर स्टार्ट हो गया, हमारी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। अब डाउन एरो डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके हम फोटो को गैलरी में सेव कर सकते हैं। नाउ अगर हमें कोई भी फिल्टर सर्च करना है तो कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि ऊपर जो सर्च का बटन है उस पर क्लिक करेंगे एंड सर्च के बटन पे हम सर्च करेंगे कोई भी फिल्टर। लाइकवाइज मैंने लव करके सर्च किया, लव फिल्टर। तो देखिए ये हमें ये वाला लव इज, ये वाला तीन फिल्टर हैं। तो लाइक मैं लव इज वाला फिल्टर आ चुका है। तो अब इसमें आप कोई भी फोटो फिल्टर ढूंढ के अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। जौन सा फिल्टर आपको अच्छा लगता है आप डायरेक्टली क्लिक कर जो भी फिल्टर आपको अच्छा लगता है उसे डायरेक्टली सर्च करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन है। यहाँ पे स्नैपचैट ने अपने खुद के म्यूजिक प्रोवाइड करा चुके हैं, तो यहाँ से हम जो भी आपको म्यूजिक अच्छा लगता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई म्यूजिक नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और अपनी वीडियो बना सकते हैं। और लाइक अगर हमें फ़ोन के बटन को अगर लॉक वाला नहीं हो रहा है तो हम इस पर डीप प्रेस करके भी वीडियो बना सकते हैं। हम फिल्टर पे हमें डीप प्रेस करना है तो भी हमारी वीडियो बनती रहेगी। अगर हम उसे लॉक की तरफ ड्रैग कर देंगे तो हमारी वीडियो ऑटोमेटिक बनेगी, उसके लिए हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।